तो यार अपने स्टीव रोजर्स की सबसे खास बात क्या है? तो देखो वो है बंदे की हिम्मत। सामने चाहे कोई भी हो, कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई टिन का डब्बा हो या फिर कोई बैंगन, बंदा सिर्फ एक ही लाइन बोलेगा, आई कैन डू दिस ऑल डे। और ये बात तुम कैप्टन के सुपर सोल्जर बनने से पहले से ही देख सकते हो। उसने बिना कुछ सोचे ही ग्रेनेड के ऊपर जंप कर दिया था, और इतना पिटने के बाद भी वही जॉन सीना वाली नेवर गिव अप एटीट्यूड। और एज ऑफ अल्ट्रॉन में सिर्फ यही एक अकेला था जिसने अल्ट्रॉन के साथ इतना क्लोज हैंड टू हैंड कॉम्बैट लड़ा था। और इन्फिनिटी वॉर में भी थैनोस के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भिड़ गया था एक पल के लिए, तो थैनोस भी चौंक गया था। और इस वाले सीन को तो कैसे ही भूल सकते हैं। मतलब कि यार इतनी बुरी तरीके से पिटने के बाद भी अपने टूटी हुई शील्ड को लेकर थैनोस के पूरे आर्मी के सामने बंदा अकेला खड़ा हो जाता है। यार अपने कैप्टन के लिए एक लाइक तो बनता है।